तो फिल ये फैमिली स्टोन एज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये है फार क्राई प्राइमल का 8वां एपिसोड। और इन केस आपने इस सीरीज का 1 से 7 तक कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है तो टेंशन की कोई बात नहीं, उन 7 ही एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप एक काम करो कि आपने जो भी एपिसोड मिस किए उनको पहले देख लो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो टकार ने लास्ट एपिसोड में साइला से वादा कर दिया कि उत्तम वॉरियर्स के लीडर को वो उसके घर में घुस के मारेगा। लेकिन दिक्कत ये कि साइला ने बताया कि ये उल ऐसी जगह में रहता है ना जहाँ पर सड़ी हुई गैस की बदबू भरी हुई है, और इसलिए अगर टकार या फिर कोई और वेंजा उस जगह पे जाता है तो वो ज्यादा देर बचेगा नहीं। पर इस सड़ी हुई गैस का एंटीडोट बनाना साइला जानती है, और उसने टकार को बोला है कि एक पीले रंग का पत्ता है जो कि उत्तम वॉरियर्स की जमीन पर ही उगता है। तो आज के गेम प्ले में सबसे पहला काम है कि ये जो पीला पत्ता है ये लाकर साइला को देना है, ताकि वो एंटीडोट तैयार करके टकार को दे सके। और उसके बाद अभी तक के सबसे खतरनाक बीच से हम लोग फाइट करेंगे, जो कि ये ब्लड टस्क मैमथ। तो आज के गेम प्ले में ना कल से ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो बीस्ट है ना ये अभी तक का सबसे खतरनाक जानवर है। और फेल आर्मी जिस तरह से आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो ना इस सीरीज में, मतलब मैं आप लोगों को जितना बार थैंक यू बोलूं सच में कम है, इसलिए एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू। और बस इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, जल्दी जल्दी डेली वीडियोस आते रहेंगे। और जल्दी से लाइक करके 7K लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ये मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि कल हम लोग इस गेम के सबसे मस्त कैरेक्टर से मिले, जिसका नाम है अर्की। और कल से ना इस गेम में मेरा टकार से ज्यादा फेवरेट बन गया है अर्की। तो अगर आपने कल का एपिसोड मिस किया तो वो तो मतलब देख ही लेना। अच्छा, एक और चीज, मैंने आप सभी को बोला था कि मेरा ये जो ब्लड फैंग सेबर्ट होते हैं इसके लिए कोई अच्छा नाम बताओ, और मैं आप सभी की क्रिएटिविटी को भाई सलूट करता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम आए ना कमेंट सेक्शन में, और उनमें से 2-3 नाम ऐसे जो कि ज्यादातर लोगों ने बोला है। एक तो शेर खान, दूसरा सिम्बा, तीसरा मुफासा। बहुत लोगों ने बोला कि भाई देखो शेर जंगल का राजा होता है तो किंग का किंगू कर दो, तो ये भी अच्छा लगा मुझे, किंगू नाम भी सही लग रहा है। तो देख रहे हो ना मेरे ब्लड फैंग किंग का जलवा। राइनो जो कि मेरी हालत खराब कर देते थे वो भी देख के आप डर डर के भाग रहे, सही है। बताओ भाई, इतने खतरनाक खतरनाक जानवर तक देख के डर के भाग जाते हैं, लेकिन ये जो इजीला वॉरियर्स है ना इनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, साइला ने जो पीला पत्ता लाने बोला है ना उसको लेने हम लोग जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले ये आउटपोस्ट को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि याद है ना मैंने बोला था कि अर्की का घर यहीं पर है तो हम लोग एक फास्ट ट्रैवल यहाँ पे अनलॉक कर लेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आउटपोस्ट में जितने भी आदमी उनको मारना है और ये आउटपोस्ट अपना होगा। बताओ, इनकी मौत इनके दरवाजे तक आ गई, ये लोग सो रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि रात का टाइम हो रहा है, सोना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट तुम में से एक तो जागा रहना चाहिए था। और भी आदमी लोग हैं, मुझे उल्लू से ने एरिया को सर्वे कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई, ये आदमी क्या बिगाड़ लेंगे, अपने साथ फैंगू है। अच्छा, इस गुफा के अंदर घुसे थे रात के टाइम में, भाई इतना जल्दी दिन भी हो गया। फैंगो तू किसको मारते चल रहा है भाई, मेरे को तो कोई नजर नहीं आया। देख लिया, सबने देख लिया, सब आ गए। चलो भाई अच्छा ही है। अच्छा पता है, मैं बस खड़ा भी रहूंगा ना तो मेरा ब्लड फैंग सेबर टूथ सबको डाउन कर ही देगा। मुझे खड़े होके बस तमाशा देखना है। तो इनके आधे से ज्यादा एरिया में आग लगा ही दी है, तो इनकी ऐसी वाट लग जाएगी, अपन को बस खड़े रहना है। ब्लड फैंग तू आराम से भाई आग में मत चले जाना। फैंगू को मैंने मना किया था कि आग में मत जा, लेकिन आदमियों को मारने के लिए आग में भी चले गया। कोई नहीं, आ तेरे को खाना खिलाता हूँ, हेल्थ रिकवर हो जाएगी। खाना खाने के बाद फुल चार्ज हो गया, बच्चे कुछ आदमियों को भी मार, आउटपोस्ट कैप्चर करना है। Yeah.
ये मुझे इतना रियलिस्टिक फील होता है ना गेम में, ये कहीं थोड़ी सी भी आग लगाओ ना पूरे जंगल में आग लग जाती है, जो कि रियल में भी ऐसा ही होना चाहिए। पर हाँ वो अलग बात है कि आग अपने आप बुझ जाती है, लेकिन ठीक है। तो ये इजीला वॉरियर का आखिरी आदमी था, यानी कि ये आउटपोस्ट अब अपना हुआ। वेंजा की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और अपना फास्ट ट्रैवल भी अनलॉक हो गया है। तो यहाँ पर फास्ट ट्रैवल अनलॉक करने के बाद अब मेन मिशन करते हैं, और साइला को जो बोला था मैंने पीला पत्थर लेने जाऊंगा, जो कि काफी दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है भाई, और वहीं पर ब्लड टस्क मैमथ भी है। चलो अच्छा ये दोनों मिशन एक साथ कर लेंगे। अच्छा साइला वाला मिशन जहां पे कर रहे ना, वहां पर भी एक कुछ अनलॉक कर लिया जाएगा, क्योंकि उस एरिया में भी कुछ अनलॉक नहीं है, देखते हो ना जाने में कितना भी दिक्कत होगा। चलो कोई नहीं, रास्ते में कुछ ना कुछ काम करते ही चलेंगे हम लोग। मैं उतर तो गया लेकिन मैं सही से नहीं उतरा मेरे भाई, देख रहे हो आधा हवा में लटक गया हूं। इसमें ग्रैपल कर ले दारे, ग्रैपल काय को नहीं किया। अच्छा वो मरा नहीं है। तो ये उद्दम वॉरियर्स वेंजा के कोई आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं, उसको बचा ही लेते हैं रास्ते ही में। अच्छा मैंने ये चीज ध्यान दिया है कि इसमें कभी कभी, अच्छा इसमें ना कभी कभी साइलेंटली भी मिशन करना चाहिए, मजा आया कि नहीं आया। अब सोचो कि पूरे कैंप को मैं ऐसी साइलेंटली छुप छुप के मारता हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मजा बड़ा आएगा। ठीक है जो भी नेक्स्ट मिशन आएगा ना जिसमें हम लोग साइलेंटली कर सकते, मैं ट्राई करूंगा साइलेंटली करने का। ठीक है तो ये गेम मैंने लगभग 7.5 घंटा खेल लिया है, लेकिन अभी भी इस गेम का ना आधे ज्यादा मैप अनलॉक तक नहीं हुआ है। वाह वाह वाह, आराम से भाई 13-14 एपिसोड जा रहे हैं इस गेम के। ये साइला वाला मिशन तो उतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ क्या करना है पत्ता लाना है, तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कुछ उद्दम के वॉरियर्स होंगे क्योंकि उन्हीं की जमीन पे पत्ता है ना, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ उसके बाद जो हम लोग मिशन करेंगे ना, जो ब्लड टस्क मैमथ को मारने वाला मिशन है, और हाँ उसको टीम नहीं करना है, उसको मारना है। मुझे भी लग रहा था कि टीम करना है लेकिन नहीं, और जानबूझ के ना इस गेम में मैमथ को टीम करके रखने का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि मैमथ बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, और अगर वो मेरे पास रहते तो फिर तो भाई कोई आदमी कुछ कर ही नहीं पाता। एक मिनट, अच्छा, ये वेंजाई का आदमी था, अच्छा उसको मैं मारने जा रहा था। अच्छा मैं इतने बार विलेज जाता हूँ, मैं ठंड के कपड़े क्यों नहीं पहन रहा हूँ भाई? अब यहाँ पर आग जला के रखनी होगी, वरना देख रहे हो ना ठंड वाला मीटर आ गया है, और वो मीटर खत्म तो मैं मर जाऊंगा, तो इसकी आग जला के हमेशा रखनी होगी अपने पास। तो इस साइड की जितनी जमीन है ना जहां से हम लोग पीला पत्थर लेने जा रहे हैं, ये पूरी उद्दम वॉरियर्स की जमीन है, और हमने देखा था कि ये ठंड की वजह से मर भी रहे हैं, पर पता नहीं ये पागल लोग अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब ठंड की वजह से यहाँ मर रहे हो तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन कोई चीज की रक्षा कर रहे हैं ये लोग, और उसी कारण से ये लोग यहाँ से जाते नहीं। तो इनकी क्या कहानी है, मुझे लगता है कि जब उल को मारेंगे ना तब पता चलेगा। तो यहाँ से तो नहीं चढ़ सकते, घूम के जाना होगा। ये देखो वेंजा का आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, मरने के लिए क्यों आया यहाँ पर? हट रहे, मैं नहीं हूँ तेरा पति, पता नहीं क्या बोल रहा इनकी लैंग्वेज लेकिन बहुत अच्छी लगती है, पता है। अच्छा यूबीसॉफ्ट का हर साल कम से कम 10 गेम तो आता ही है, और हो सकता है कि इस साल भी कोई फार क्राई का गेम आ ही रहा हो,
तो वेंजर्स को बचाना है इन्वेडर से, और इन्वेडर कौन होंगे भाई, उधम वॉरियर्स ही होंगे। चलो उनको बचा ही लेते हैं रास्ते में, तो फिर क्या दिक्कत है। अच्छा ये जो मैं वेंजर के लोगों की इतनी मदद करके अपने गांव की पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहा हूँ, अगर इस चीज का लास्ट में कुछ रिजल्ट नहीं ना मिला मेरी सटक जाएगी भाई, क्योंकि मैंने बहुत मदद की है वेंजर के लोगों की। तो ये उद्धम वॉरियर्स को तो मार दिया, लेकिन वो जो वेंजा इवेंट है ना वो ये नहीं था, ये तो एक्स्ट्रा था। इस आदमी को आजाद कर देते हैं, ये भी अपने गांव में आ जाएगा। जा भाई तू गांव जा, यहाँ पर मत घूम। तो वेंजा के जिन लोगों को इन्वेडर से बचाना है ना वो सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा गेम के लास्ट तक ना 100 के ऊपर पॉपुलेशन हो जानी चाहिए, अभी आई थिंक 60 के ऊपर है या लगभग 60 है, याद नहीं आ रहा मुझे, देख लेना अभी। तो तुम चारों वेंजर से ना मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि तुम चारों पीछे रहना, दुबक के रहना, क्योंकि अब टकार यहाँ पे आ गया है, ब्लड फैंगू भी है, तो ये दोनों मिलके संभाल लेंगे। तुम लोग का काम है बस छुप के दुबक के रहो और जिंदा रहो प्लीज चारों के चारों। मौत पाने के लिए किसी को दौड़ के आते हुए देखा है? नहीं देखा है तो देख लो अभी आते हुए। अच्छा ये उद्धम वॉरियर्स की मरी हुई बॉडी पे नाचने का मुझे कोई शौक नहीं है, बस मैं इसलिए घूम रहा हूँ ताकि मेरे जो तीर है वो मुझे वापस मिल जाए। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत समझदार हो, आपको पता ही होगा। भाई ये उद्धम वॉरियर्स को मरने का इतना शौक है ना मैं क्या बताऊं, और आ गए मरने के लिए। ये लोग तीर खाका के कुछ ज्यादा ही दूर उछल के नहीं फेंका, ऐसा लगा मैंने शॉटगन से मारा इनको। अरे रे भाई ये दिक्कत हो गई ना, ब्लड फैंगू के लिए मेरे पास कोई मीट ही नहीं है और यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है, तो एक काम कर फैंगू तू इन लोगों को खा के अपनी हेल्थ रिकवर कर ले, ठीक है। एक काम करता हूँ इनकी बॉडीज चेक करता हूँ, कभी कभी इनके पास भी मीट रहता है। तो फैंगू इतने ही सा खाना मिला, तू अभी के लिए काम चला, मैं और खोजता हूँ। तो ऐसा ही कि ये वेंजा इवेंट फाइनली खत्म हुआ, लेकिन मेरे ब्लड फैंगू की हेल्थ कम हो गई है और इन लोगों के पास मीट भी नहीं है यार, कम से कम एक आदमी के पास है तो मीट मिल जाए। अच्छा मुझे एक आइडिया आ रहा है, एक बॉनफायर बगली में, तो उसको ना जाके कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे दो काम हो जाएगा, पहला तो फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो जाएगा जो कि बहुत अच्छा है, और दूसरा और ज्यादा जरूरी सामान कि उसको कैप्चर करने के बाद ना मैं रिवॉर्ड की पेटी खोल पाऊंगा और वहां से खाना निकाल लूंगा फैंगो के लिए। भाई ये चलाने वाला कैसा था? अच्छा था ना, ये देखो फैंगू खा रहा है क्योंकि इसको बहुत टाइम से मैंने खाना नहीं दिया है, भले ग्लिच करिए ये जमीन खा रहा है और इसकी हेल्थ बढ़ रही है, पर ये एक्चुअली में उस आदमी को खा रहा है, ठीक है। चलो वेट कर लेते हैं, इसको खाने दो, तब इस पे बैठ के हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसकी हेल्थ फुल नहीं ना रहती है तो बैठने नहीं देता अपने ऊपर। वो बारह सिंगों को कैसे पता था कि मेरे पास खाने की कमी हो गई, भागा भाई वो। कोई नहीं अपन पहुंच जाएंगे बॉनफायर पे तो खाना मिल ही जाएगा। ठीक है।
तो मैं ये आखिरी बार बोलूंगा, प्लीज वेंजा कि कोई भी आदमी ना इस एरिया में एटलीस्ट मत आया करो, ठीक है? इस एरिया में आती क्यों जब जान रहे हो कि यहाँ पर उद्धम वॉरियर्स का राज है। अच्छा इतनी इतनी जो मदद की ना, मेरे गांव की पॉपुलेशन 65 हो गई, जो कि अच्छा ही है। मुझे लग रहा है गेम खत्म होते होते तक 200 ज्यादा बोल दिया क्या। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे कि लगभग 150-200 हो जाए। फैंगू ज्यादा टेंशन मत ले, बॉनफायर तक हम लोग पहुंच ही गए। ऐसे एक जानवर भी दिख रहा है लेकिन बॉनफायर तक पहुंच ही जाते, एक जानवर से क्या ही होगा फैंगू का। तो अच्छी बात यह कि बॉनफायर को कैप्चर करने में ना आउटपोस्ट जितनी मेहनत नहीं लगती है, एक दो आदमी होंगे ज्यादा ज्यादा, या हो सकता है कि वो भी ना हो, बस बॉनफायर में आग लगा देनी है वो एरिया अपना। अच्छा ऐसे जलता हुआ तीर यहीं से मार के बॉनफायर में आग लगा सकता हूँ, लेकिन रिवॉर्ड स्टैश खोलने के लिए तो वहां जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही कर करके एक एक फास्ट ट्रैवल ना हर एरिया में कम से कम अनलॉक कर ही लेना है, और उसके बाद ना इस बड़े से ओपन वर्ल्ड में ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा, पता है। तो येलो पत्ता लेने की, तो येलो पत्ता लेने हम लोग जा ही रहे हैं, लेकिन बस रिवॉर्ड की पेटी से खाना निकाल लेते उसके बाद चलते हैं। तो मेरे पास जो जो चीज की कमी है सबको फुल कर लेते हैं, या जितना भी है कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखते हो ना गलत टाइम पे खाना खत्म हो जाता है, वो भी ब्लड फैंगू के लिए। तो जो भर सकते हैं भरते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो साइला इंतजार कर रही होगी कि मैं पीला पत्ता लेकर कब आऊंगा, तो चलो उसका पीला पत्ता लेकर आते हैं और उसकी बात करेंगे ब्लड टस्क मैमथ का शिकार, जो कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी तक का इस गेम का सबसे टफ मिशन होने वाला है। तो टेंशन मत लो, आज ही के एपिसोड में हम लोग ब्लड टस्क मैमथ का शिकार करेंगे, चाहे कितना देर भी लगे। तो ऐसा है ना कि जब तक अब मेरे कोई सामने नहीं आ जाता उद्धम वॉरियर, मैं किसी से फाइट नहीं करने वाला भाई, क्योंकि ऐसे अगर रुक रुक के फाइट करते रहे ना तो मेन मिशन की तो भाई बत्ती लग जाएगी। तो मेन मिशन पहले करते हो, उसके बाद फिर ये सब देखा जाएगा। ये तो अच्छा है कि पेड़ वेड़ से टकराने से फैंगू की हेल्थ कम नहीं होती, वरना कब की कम मैं करवा देता। नहीं अरे ये उद्धम वॉरियर्स यार, ये मैं नहीं भी चाहूँ ना इतना दिमाग खराब करते ना मार नहीं पड़ता है। फेल आर्मी मैं ना ये आप लोगों को एक फ्री की टिप देता हूँ, ठीक है? सेबर टूथ जैसे खतरनाक जानवर पे अगर कोई आदमी बैठ के आते हुए नजर आए तो उससे लड़ने की कभी सोचना भी मत। तो ये मेन मिशन इतना आसान है मुझे लग रहा नहीं कि बस पीला पत्ता उठा के लेते आना है भाई, इतना आसान होगा मिशन, क्या लगता है? ये जो ठंड वाला सिस्टम दिया मुझे अच्छा लग रहा है, ये इसकी वजह से ना एक दिमाग में ये भी है कि हाँ ठंड से मौत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग बिल्कुल उद्धम वॉरियर्स की जमीन में घुस गए, यहाँ पर उद्धम वॉरियर्स भरे हुए होंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो उरूस की जमीन पे भी तो ये मनहूस भरे हुए हैं। तो ऐसा है ना कि जाना अपने को नीचे, क्योंकि नीचे से फिर सामने जा सकते हैं। पहाड़ से उतरने की एक निंजा टेक्निक दिखाऊं, जो भी ऐसा सीधा लाइन दिखे ना पहाड़ पे उस पे चलते हुए जाओ और नीचे देखते हुए जाओ, गिर के मरोगे नहीं, ये मैंने देखा है इस गेम में। एक तो ठंड से पता नहीं क्या क्या जाम हो रहा है, टकार के ऊपर से पानी में भी चला गया। ठंड का मीटर ना तुरंत कम हो जाना चाहिए था, वो तो धीरे धीरे कम हुआ, बच गया मैं। यहाँ पर और ज्यादा ठंड है भाई, जल्दी से पीला पत्ता लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से। मुझे लग रहा है ना कि इस मिशन में यही डिफिकल्ट है कि ठंड का टाइम है, जल्दी से काम करो और निकलो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, पहुंच गए और यहाँ पर कुछ ऐसा खतरा भी नहीं दिख रहा है।
तो खतरे के नाम पर इस एरिया में सिर्फ दो भेड़िए थे? ना ना ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई, इतना आसान मिशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरा काम है ना कि यहाँ पर पीला पत्ता मैं ढूंढूं और उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा। तो हंटर विजन ऑन कर लिए, जो भी लाल कलर का दिखा ना समझ लो वही अपने काम का है। तो ये पीले पत्ते बहुत आसानी से मिल गए, ले लेते हैं। मैं जान रहा था भाई इतना आसान हो ही नहीं सकता है। तो उत्तम वॉरियर्स की जमीन पर और उनका लीडर उल स्वागत नहीं करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उल ने आके पीट दिया टकार। अच्छा अच्छा, पीट पाट के जेल के अंदर बंद कर दिया टकार को और मेरे सारे गियर छीन लिए। मतलब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ हंटर विजन क्योंकि वो आंखों में फिट है। वाह वाह वाह, अब यहाँ से निकले कैसे? यही मेरा मिशन है कि इस प्रिजन से बाहर निकलना है। लेकिन कैसे निकल सकते हैं भाई यहाँ से? अच्छा अच्छा, इस लाश के पास से ना कुछ उठाने का दे रहा है। ओ, ये क्लॉ है। तो इस क्लॉ के जरिए मुझे इस जेल से निकलना है। क्लॉ तो मिल गया मुझे, पर अभी भी कोई हथियार नहीं मिला है। अच्छा, पता है इस टाइप के मिशंस ना मुझे हर गेम में बहुत पसंद है, जहां सारे हथियार छीन लिए जाते हैं। अरे बहुत बढ़िया भाई, ग्रैपल करने का मिल गया है और आई थिंक झूल के आगे जाना है। तो सारे हथियार जब छीन लिए जाते हैं ना, इस टाइप का कोई भी मिशन आता है किसी भी गेम में बड़ा पसंद है मुझे। तो ऐसा है कि मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरे गियर्स को ढूंढना है, यानी कि जो भी मेरे सामान है, हथियार है, सबको ढूंढना है और स्टेल्थ मोड पे रहना है। और मैं अपने बीस्ट को भी नहीं बुला सकता। ओ भाई साहब, चलो अच्छा ही है। ये जो पैरों के निशान गए हुए ना, बस इनको फॉलो करते रहना है, तभी मेरा हो सकता है कि गियर मिल जाए। तो टकार को अपने हथियार दिख गए, लेकिन वहां पर एक उत्तम वॉरियर भी है। साइलेंट ही रहना है क्योंकि मेरे पास अभी कोई हथियार नहीं है। तो सारे हथियार मिल गए, आई थिंक पीला पत्ता भी इसी में डाल दिया होगा टकार ने, तो वो भी मिल गया। तो अब क्या करना है? ऑब्वियसली यहां से निकलना है, और क्या करना है? पता नहीं किस एरिया में डाल दिया उल ने। तो ऑब्जेक्टिव आ गया है कि एग्जिट ढूंढना है और यहां से निकलने का है। पर मैं एक बात बताऊं, ये उल्ला अभी तक दो बार टकार को मिला है, दोनों बार इसने टकार को धूल चटा दी है, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तीसरी बार इससे फाइट ही हो और इसको मैं मार दूं। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, जो स्किल्स है उनको ले लेते हैं और हथियारों को अपग्रेड कर लेते हैं। अच्छा, ये वाले स्किल्स है ना, जो भारी भरकम लोग है ना, उनको हम लोग पीछे से टेक डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ये स्लिंग लेने का ऑप्शन आ गया, इसको अनलॉक कर लेते हैं। ये स्लिंग देखने में मामूली हथियार लग रहा है, लेकिन याद है दुश्मन लोग मार मार के भाई एक बार में हेल्थ जीरो कर देते हैं। आई थिंक सब कुछ अपग्रेड कर ही लिया, देखते हैं कि नए हथियार कैसे दिख रहे हैं। भाई साहब देख रहे हो, गदा और भाला कैसे हो गए। मैं सच बता रहा हूं, अब लग रहा है टकार की ये उस लायक है कि फाइट कर सकता है उल से। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि और भी कमी बाकी है, पूरी तरह से ट्रेन नहीं ना हुआ है। ओ भाई भाई भाई, एक कांड देखा, ये इतनी ज्यादा ठंड है ना कि आग में हाथ में जला के भी रख रहा हूं ना तब भी कोई फायदा नहीं है। टकार ने भी बोल दिया कि ऐसी ठंड है जो जान ले सकती है। तो वहां जो पैर के निशान गए हुए ना, उनको जल्दी जल्दी फॉलो करके किसी गुफा में घुस जाना है या फिर कैंप फायर के पास पहुंच जाना है, वरना मौत पक्की है। अच्छा देख रहे हो ना, डंडे को मैंने जला के रखा हो, फिर भी कोल्ड वाला मीटर कम हुए जा रहा है। तो इस गुफा के अंदर आग वाग जल रही है और अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उत्तम वॉरियर्स भरे हुए। तो याद है मैंने बोला था कि जो भी नेक्स्ट मिशन आएगा मैं ट्राई करूंगा स्टेल्थ मोड में करने का। तो चलो ट्राई करते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो अलग बात है। अच्छा, दो आदमी एक साथ ही बैठे हुए, अगर एक को तीर मारूंगा तो दूसरा वाला देख ही लेगा, उसकी चिल्लाने की वजह से सुन लेगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक आदमी है।
तो क्राउच करके धीरे धीरे चलना है ताकि उसको मेरी कदमों की आवाज नहीं आए। तो भले ही मैंने ये स्टेल्थ मोड में किया है, लेकिन जिस हिसाब से ये आदमी ने मरने के बाद चिल्लाया है भाई, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता। लेकिन ठीक है, गेम के अपने अपने फंडे हैं। तो कुछ लंबे चौड़े आदमी फुल आर्मर के साथ भी ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने उनको भी टेक डाउन करने की एबिलिटी ले ली है। पर वहां तक मैं जाऊं कैसे? मतलब जाने में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो ग्रैपल करके तो मैं जा ही सकता हूँ, लेकिन छुप के जाना है ना, इसमें मेन डिफिकल्टी है। तो ये जो मेरे राइट साइड से आदमी आ रहा है, यहां से मैं जा सकता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। अगर देख लिया तो फिर तो मतलब बूम बाम करते ही लड़ते ही जाना होगा आगे, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि स्टेल्थ में कर पाऊं। अच्छा, ये आदमी इधर ही आ रहा है भाई, पूरा आगे मत आ जाना वरना स्टेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वापस जाना, हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, एक ऐसा स्किल है ना जिसमें मैं क्राउच करके जल्दी जल्दी चल सकता हूँ, लेकिन वो स्किल मैंने अनलॉक नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्टेल्थ मोड में कभी करूंगा। पर आज कर रहा हूं भाई, हर चीज करना चाहिए, जब गेम में बनाया है तो हर कुछ ट्राई करेंगे। तो ऐसा ही कि सबको मार दिया, अब ये दो आदमी बचे, इनका क्या किया जाए? इनको तो आप मार भी सकते हैं देख के, क्योंकि एक को ऐसे भी मारूंगा तो दूसरा वाला तो देख ही लेगा। नहीं, जंप ऑन एनिमी, ये क्या है? अगर दुश्मन के ऊपर कूदता हूं तो टेक डाउन अपने आप हो जाएगा, तो चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसा है ना कि जंप करने के बाद दुश्मन पे टेकडाउन का बटन भी दबाना पड़ता है। मुझे लगा अपने आप टेकडाउन कर लेंगे, कोई बात नहीं, सबको तो मार ही दिया था साइलेंटली। तो आप में से बहुत लोग ऐसा दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई मैं फास्ट ट्रैवल यहाँ से नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, इस गुफा से निकलूंगा, उसके बाद फास्ट ट्रैवल को भी लॉक कर दिया गया है। मतलब सड़ी हुई बदबू जिसका एंटीडोट बना रही है साइला, और उल का जो घर है ना, जो इनका लीडर है, उसके घर के आसपास ये पूरी गैस भरी हुई है। तो जो पीला पत्ता कलेक्ट किया है ना, ये साइला को दे दिया तो वो एंटीडोट बना के देगी, और उसके बाद ही हम लोग उल के घर में जा सकते हैं। तो अभी भी ऑब्जेक्टिव वही है कि इस गुफा से बाहर निकलना, और बाहर क्यों निकलना, मौत की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो भी करना होगा यहां से जल्दी करना होगा। तो ये कोई उद्यमी वॉरियर है और ये ठंड से कांप रहा है और मर रहा है, तो अब मरे हुए को क्या मारूं? अगर ये मुझे उठ के मारता तो मैं इसको मारता, लेकिन अब ये मरा ही हुआ है तो जाने दो, टकार मरे हुए को नहीं मारता। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उद्यम वॉरियर्स जब ठंड से यहाँ पे मर रहे हैं तो चले जाओ ना भाई इस एरिया को छोड़ के, जाके उरूस में रहो, ऐसे भी तुम लोग वहां पर भरे ही हुए हो, लेकिन इस एरिया को छोड़ के भी नहीं जाना है भाई लोग को। पता नहीं यहाँ पे किस चीज की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर और ज्यादा आदमी लोग भरे हुए, तो ठीक है साइलेंटली करने की कोशिश करते हैं कम से कम। अच्छा, यहाँ पर किसी की खांसने की आवाज आ रही है, ये लोग खुश भी हो रहे हैं और कुछ लोग मर भी रहे हैं। अच्छा, ये जो सामने वाला आदमी है ना, इसको मारने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उछल के अगर मैं जाता हूँ तो वो देख नहीं लेगा। और इस आदमी को मैं तीर से एक बार मैं हेडशॉट लेकर मार सकता था, लेकिन इसने हड्डियों का मास्क पहना हुआ है, तो एक हेडशॉट में तो मरेगा नहीं और सबको बता भी देगा। तो यहाँ पर साइलेंटली करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। ये मनहूस आदमी बस इधर नजरें जमा के खड़ा हो गया, भाई हट ना यहां से, तब ना मैं उछल के आऊंगा वहां पर।
देख लिया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मारना ही पड़ेगा। अरे एक बार में 3 हेल्थ बार डाउन कर दिया, ऑलमोस्ट मार ही दिया है मुझे। टेंशन मत लो टकार, इससे तो नहीं मरने वाला। बताओ तुम लोगों के लीडर उल को मारने अगर तुम लोगों से मर जाओ तो लानत है मेरे ऊपर। तो ऐसा है ना कि अभी भी हम लोग गुफा से बाहर निकले नहीं है, गुफा से बाहर निकलना है, और हो सकता है कि रास्ते में अपने को उल मिले, और उल जब भी मिलता है जानते हो ना पीट के चला जाता है भाई। 2 बार टकार मार खाया मैंने, कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तीसरी बार नहीं होना चाहिए, 2 बार काफी था, अब तीसरी बार मेरे हाथों उसकी मौत होनी चाहिए। ओ भाई मैंने क्या देख लिया, आप लोगों को तो नहीं दिखा सकता और बता भी नहीं सकता कि यहाँ पर क्या देखा, लेकिन इतना कुछ गंदा था कि मैं दिखा नहीं सकता, सॉरी। मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक केव गार्डियन है उसको मारना है भाई साहब। तो जिसके ऊपर येलो वाला पॉइंट बना हुआ है ना वो इस गुफा का रखवाला है, यानी कि केव गार्डियन है, उसको मारेंगे उसके बाद ही यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा वो केव गार्डियन इतना चालू है ना कि छुप के बैठ गया और अपने आदमियों को भेजे जा रहा है। टेंशन मत ले तू बचेगा नहीं। बस बस ये लंबे चौड़े वाले आदमी को मार दिया ना, उसके बाद केव गार्डियन का अगला नंबर है। ओह ऑलमोस्ट मार दिया है मुझे, लेकिन तेरे में वो दम नहीं है, तू नहीं मार पाएगा। तो मरने के बाद आप लोगों की भी तरफ से मैंने इसको 2-3 डंडा लगा दिया है, ठीक है, और अब इस गुफा का जो मेन गार्ड है उसको मारते हैं और उसके बाद फिर निकला जाएगा यहाँ से। तो आई थिंक कि केव गार्डियन भी मर ही गया और अब यहाँ से निकलना है बाहर। तब से क्या करें, यहाँ से निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेन गार्ड को मार दिया तो अब तो कोई नहीं आना चाहिए ना। मुझे क्यों ऐसा लगा था कि कोई नहीं आएगा और लोग आ गए। ये जो सड़ी हुई गैस है ना भाई, इसका एंटीडोट मुझे जल्दी से जल्दी साइला बना के दो। एक आदमी बच, अच्छा ऊपर ही है, और जाना मुझे ऊपर ही है, ठीक है। What now?
जब से मुझे बीस्ट मिला है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने खुद से पूरी फाइट करी, बीस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो मजा तो आया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करवाना, क्योंकि बीस्ट रहता है ना अपने साथ तो एक फुल कॉन्फिडेंस रहता है। मैं बस ऑर्डर देते रहता हूँ, ए उधर जाके मारो, ए उधर जाके मारो, अपना काम होते रहता है भाई। तो टकार ने बोल दिया कि अब वो गांव वापस जा रहा है। गांव क्यों जा रहा है भाई, मुझे मैमथ का शिकार करना था। अच्छा कोई बात नहीं, गांव से आने दो, फिर करते हैं। Utakar uli mwana. Nusi saus hinacha. तो साइला ने कहा कि मैं जानती थी कि उद्धम वॉरियर्स तुम्हें मार नहीं पाएंगे। तो टकार ने बोला कि हाँ, उन्होंने ट्राई तो किया था लेकिन मार नहीं पाए। और टकार अपनी जान पे खेल के जो येलो पत्ता लेके आया वो इसको दे दिया, तो इसने एंटीडोट बना लिया है। और टकार को ये एंटीडोट देकर बोला कि यही तुम्हें बचाएगी उस सड़ी हुई गैस के धुएं से। और इसलिए अब उल को मारने का मिशन आ गया है, जो कि वेरी हार्ड है। इसको भी किया जाएगा क्योंकि साइला ने बोला कि उसको मारने के बाद उसका कान काट के लाओगे तुम। तो जब तक सारे स्पेशलिस्ट से अपना सब कुछ अनलॉक नहीं करवा लेते, ट्रेनिंग फुल कंप्लीट नहीं कर लेते, ना तो उल को मारने जा सकते हैं, ना ही बटारी को मारने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि जा तो सकते ही है, पर कोई फायदा नहीं होगा, तुरंत वो लोग मार देंगे। अच्छा सुना ना, टकार ने भी बोल दिया कि इससे पहले उदम के घर में जाके मैं उल को मारने का ट्राई करूं, अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग पहले गेम को सेव कर लेते हैं और चलते हैं उस ब्लड टस्क मैमथ का शिकार करने, क्योंकि अभी हम लोग जायमादा हंटर के सारे मिशन कर रहे हैं और मास्टर हंटर बनने के लिए दो और ग्रेट बीस्ट का शिकार करना है, जिसमें से पहला ये ब्लड टस्क मैमथ है जिसका मिशन हार्ड है, और उसके बाद वो डायर वुल्फ है। अच्छा पता है उसका मिशन ना वेरी हार्ड है, यानी कि उसको मारना और डिफिकल्ट होगा। तो मैं सच बताऊं तो मुझे तो मैमथ ही टफ लग रहा था, पता नहीं ये डायर वुल्फ का शिकार कैसे करेंगे। तो इतना काहे को सोचना, जब किया जाएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल फैंगो को बुलाते हैं और चलते मैमथ के पास। तो जितने सामान है सब फुल पेटी पैक कर लो, क्योंकि मैमथ को मारने के लिए इतने सामान भी कम पड़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग दो ग्रेट बीस्ट को हरा के उनको टेम कर चुके हैं, पहला तो ये जो अपना फैंगू है और दूसरा भालू है। पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इन दोनों से ज्यादा टफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैमथ का साइज ही इतना ज्यादा होगा ना कि उसका अकेले शिकार करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं अकेले का हूँ, मेरे साथ मेरे बीस्ट है, तो चलो मजा आने वाला है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ना एक वेंजा का इवेंट चल रहा है, उसको कर ले क्या, मदद कर ही देते हैं। अच्छा एक मिनट, ये वेंजा के इवेंट खत्म हो गया तो अभी भी उद्धम वॉरियर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा ये सड़ी हुई गैस से बचने के लिए ना मैं दवा खा सकता हूँ, लेकिन बर्बाद काय को करना, उल के लिए बचा के रखते हैं इसको। अरे मैं फिर से कह गया था भाई, ठंड के कपड़े पहनना भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, आग जला के रखूंगा मैं। भाई क्यों नहीं याद आता है, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला बीमारी है ना भाई मेरे को। लेकिन ये अच्छा किया था ना कि यहाँ पे बॉनफायर अनलॉक कर लिया था, तभी इतना जल्दी आ पाया यहाँ पर। अच्छा एक बात बोलू, ये जो उद्धम वॉरियर्स को मारते हैं ना, ये पूरी तरह सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपी बढ़ता है और उसके बाद स्किल नया नया ले सकते हैं हम लोग, तो अच्छा ही है। एक वेंजा के लोगों के लिए मैंने इतना अच्छा गांव बना दिया है, वहां पर इतने इतने अपग्रेड डाल दिए। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई शिकार भी नहीं है, तो तुम लोग क्या लेने आए हो यहाँ पर? अच्छा मैमथ से तो हम लोग दूर है, ये आवाज किसकी आ रही है? ठीक रही।
मैं बस चाहता हूँ ना उल को मार दो ना, ये उत्तम वॉरियर्स दिखना बंद हो जाए, कम से कम एटलीस्ट ये लोग दिखना बंद हो। इसीला लोग आते रहे कोई बात नहीं, उत्तम वॉरियर्स को ना अब देख देख के गुस्सा आने लगा है मुझे। अरे रे रे, यहाँ पर भी उत्तम वॉरियर्स, हर एक नुक्कड़ नुक्कड़ पे, ये उन्हीं की जमीन है ना मेन। अच्छा, मुझे इस चीज का भी ख्याल रखना है कि ठंड वाला मीटर में कहीं नहीं भूल जाऊं, क्योंकि ठंड से जान जाएगी एक सेकंड के अंदर। ये भालू क्यूट लग रहा है, इसको टेम कर लूं क्या? ये खा टेम। अरे रे रे, फैंकू मारना मत, मारना मत, डरा के भगा दिया ठीक है, लेकिन मारना मत। तो उस भालू को मैं टेम कर लेता, लेकिन फैंकू ने उसको डरा के भगा दिया। कोई नहीं, मेरे पास तो ऐसे भी भालू है ही। और ये ब्लड टस मैमथ तक हम लोग पहुंच ही गए। मिशन के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, ये वाला खतरनाक होगा पता है। जब मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि शिकार करते टाइम भी ना मुझे ठंड का ख्याल रखना है, जितना ज्यादा हो सके आग जला जला के रखते रहना है। अच्छा, जो भी नाम था ले ही लिया, लेकिन और भी कुछ भर सकते हैं क्या? कुछ खाली हुआ है भाई? बहुत कुछ खाली है। अरे रे रे रे, ये ब्लड डस्ट मैमथ को मारने के लिए और भी सामान लगते, इसको बाद में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने वादा कर दिया है कि अभी करूंगा, तो चलो अभी करते हैं। तो ऐसे ही कि इस विंजा के शिकारी से बात करना है, उस ब्लड टस मैमथ के बारे में यही बताएगा, तो बात करने का ऑप्शन देना। भरगुआमा मफगुआमा दर्श नाइमिना। ओ भाई 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 भाई, गुस्सैल मैमथ। तो ये मैमथ गुस्सैल है और इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इस वेंजा के भी आदमी ने बोला कि इसको रोकना होगा किसी तरह। तो टकार ने इसको बोला कि टेंशन मत लो, इसकी आत्मा को मैं वापस फिर से उरूस में भेज दूंगा। तो टकार का बोलने का यही मतलब है कि इस मैमथ को ये मारेगा भले ही यहाँ उद्दम की जमीन पर, लेकिन उसके बाद इसकी आत्मा आजाद होके उरूस की जमीन पर वापस चली जाएगी। ठीक है, पहले लेकिन उसको मारना पड़ेगा ना। तो क्योंकि हमने पहले ही दो ग्रेट बीस का शिकार कर लिया, तो ये बात तो आप लोग जानते हो कि अपने को सीआईडी पहले खेलना है। और इस मैमथ ने जो भी यहाँ पे क्लूज छोड़े, यानी कि पैर के निशान, या ओ हो हो भाई भाई भाई, बहुत बड़े बड़े पैर के निशान है भाई, आसमान से भी दिख जाते हैं ये निशान। तो इन निशानों को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेट करने लायक है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और उसके बाद फिर मैमथ तक पहुंचना है। तो टकार का कहना है कि ये जो इस बाइक से बने हुए ट्रैप थे, ये भी इस गुस्सैल मैमथ को रोक नहीं पाए, और ये इसके पैरों के निशान नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर एक भालू था, उसको फिर से मैंने टेम करने की कोशिश की, पर ये फैंगू सबको डरा के भगा दे रहा है। तो ज्यादा नहीं, सीआईडी अभी भी खेलते रहना है, और उम्मीद यही करना है कि मैमथ अचानक से नहीं मिल जाए, क्योंकि मैंने अभी स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है। मैं सोच ही रहा हूँ कि कैसे उसका शिकार करेंगे। ये उद्दम वॉरियर्स मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले भाई, जब तक ये गेम खत्म नहीं होगा ये आते ही रहेंगे। पर यूबीसॉफ्ट की ये बात माननी पड़ेगी भाई, ओपन वर्ल्ड उनको इतना अच्छा बनाना आता है ना, इस एरिया में आके ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल नया गेम खेल रहे हैं हम लोग। तो मेहमत के पैर के निशान तो है, लेकिन कोई चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा, कुछ रेड कलर का होगा उसको देखते रहो, कोई लाश या फिर कुछ टूटा फूटा ऐसा कुछ। ठीक है,
तो ऐसा तो कुछ मुझे दिख रहा नहीं है। ये पानी के अंदर क्या है? ये पहली बार मैंने उद्धव वॉरियर किसी आदमी को छुपते हुए देखा। मैं इसको नहीं मारता, लेकिन तूने फिर इनकी गैंग ज्वाइन क्यों की? गैंग ज्वाइन किए तो पूरा फाइट कर, भाग के छुप नहीं फिर। तो ये तो वेले लोग भाई मरते रहते हैं, पर अपना काम है इन्वेस्टिगेट करना। पता नहीं मेहमत ने क्या क्लू छोड़ा है यहाँ पर। फैंगू तेरे को दिखेगा तो दहाड़ के मुझे बताना। हो सकता है कि पानी के अंदर कुछ हो, देखते हैं एक बार पानी के अंदर जाकर। तो इतनी ज्यादा ठंड है कि पानी के अंदर आने से भी टकार का सब कुछ जाम हो रहा है और इसकी मौत हो रही है। पानी के अंदर कोई क्लू नहीं है। फैंगू तू बाहर निकल जा वरना तू भी मर जाएगा। तो मेहमत ने क्या क्लू छोड़ा है वो तो नहीं दिखा, लेकिन एक वेंजा का इवेंट दिख गया। वेंजा के कोई आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं, बचा लेते हैं उसको भी बेचारे को। तो ऐसा है ना विंजा, यहां से डायरेक्ट घर जाना। 72 पॉपुलेशन हो गई भाई साहब। अच्छा मैं बचा रहा हूं सबको, नहीं बाकी सब ठीक है, लेकिन क्लू क्या है? यहां ऊपर से देखते हैं शायद कुछ दिखे। एक तो ये मेहमत के पैर के निशान देखकर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किधर से जा रहे हैं किधर से जा रहे हैं। दोनों तरफ एक ही लग रहा है। नहीं उर्गी नवा विंजा मार्श पालिया विंजा ड्राम पालू। एक मिनट, ये कौन सा जानवर भाई? इसको भी टेम कर सकते हैं। फैंगू इसको मार मत। फैंगू के यहां से भगा दिया वरना इसको मार देते, इसको टीम किया जाए। मस्त क्यूट लग रहा है। नहीं अच्छा, ये है वो बैजर जिसको मैं स्टार्टिंग से सोचा था कि ये क्या है। अरे अजीब बात, तभी इसे काट लिया भाई काट लिया, इसको मैं पेट करने जा रहा था। अच्छा इसको मैंने डिस्कवरी में देखा था बैजर को, काफी खतरनाक जानवर भाई, शेर से भी लड़ जाता है ये। इसके हिंदी में मुझे नाम नहीं पता क्या, तो इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसा है ना बैजू बावरे, तू मेरे साथ ही रहे और इस एरिया को मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया। ये वेंजा को उस मेहमत ने पूछा था ठीक है, और अब इस फुटप्रिंट को फॉलो करके मुझे आगे जाना है। तीन तीन एरिया बन गए, कहीं पर भी मैं मेहमत को ढूंढने जा सकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि पहले ही एरिया में मेहमत मिल जाए। नहीं ये सड़ी हुई गैस का ना मैं दवाई खा ही लेता हूँ पता है। अच्छा ये एंटीडोट अनलिमिटेड नहीं है, इसका टाइमर बना हुआ है राइट साइड में देखो। वो मीटर खत्म हो जाएगा ना तो इसका असर खत्म हो जाएगा। तो मेहमत यही पर है, उसके लिए ट्रैप सेट करना है भाई साहब। यही पर है ना मेहमत, यही पर है। यहाँ पर गेम सेव कर लेते हैं ठीक है, और उसके बाद फिर मेहमत का शिकार करते हैं। तो आई होप कि आप लोग तैयार हो, कांड किया जाए। ये बैजर फाइट कर पाएगा मेहमत से मुझे नहीं लगता है। तो एक काम करते हैं, ब्लड फैंगुई को बुला लेंगे। बैजर तो फाइट कर लेगा, तेरे को कुचल देगा यार मेहमत। अरे ये वेंजा का इवेंट खत्म ही नहीं होता है भाई, हट। अभी तेल लेने गए, वेंजा को मैं बचाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी मेहमत का पहले शिकार करने दो मुझे। तो ऐसा है कि मेहमत की आवाज आ गई है। तो टकार का कहना है कि ये मेहमत पागल हो गया और ये वेंजा के लोगों को मार रहा है, इसलिए इसको मारना जरूरी है। तो ट्रैप सेट कर देते हैं इसके लिए ठीक है। अरे मेरे पास लकड़ियां नहीं है भाई, बताओ इतने गलत टाइम पे ट्रैप भी मैं सेट नहीं कर सकता। तो इस छोटू बैजर को ना भेज देते हैं, ये पता नहीं फाइट कर पाएगा या नहीं। ब्लड फैंग को बुला लेते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना पहले भालू से अटैक करवाया जाए क्योंकि उसकी भी साइज ज्यादा है। तो
भालू जहाँ हमला कर दे मैं ऊंचाई से ही हमला करूंगा, ठीक है? दूरी बना के हमला करना है, सामने सामने फाइट करना, आई थिंक कि मर जाऊंगा मैं। मां कसम भाई मेरे ग्रेट भालू पे इतना जल्दी मार दिया, इसकी हेल्थ देखो, फुल हेल्थ है इसकी। दोषी ये भालू भी ग्रेट भालू था भाई, ग्रेट स्कार भालू था, मार उसको मार। अरे फिर से मार दिया इससे, बात तो सब भाई है, इससे मैं कैसे लड़ूंगा जब मेरे बीस्टी नहीं लड़ पा रहे। अरे अभी तो तू आया था, ब्लड फैग को भी मार दिया इससे। हालत खराब कर दे गई, और बीस्ट है मेरे पास, उनको ही बुलाया जाए। ब्लड फैंक को भी डाउन कर दिया इसने, तो ऑलमोस्ट इसकी आधी हेल्थ खत्म कर दी, अब इसका पीछा करना है। इस मेहमत ने भाई मेरे दो ग्रेट बीस्ट को इतनी आसानी के साथ मारा है ना, भालू को तो दो बार मारा है, ठीक है? आजा आजा सिबू, आजा तेरे ऊपर बैठ के चलता हूं मैं, ये नॉर्मल वाला सेबर टूथ है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस मेहमत के लिए ना एक से ज्यादा बीस्ट बुलाने का ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि वो भी कम पड़ेंगे। अब समझो कि मेहमत को टेम करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि अगर ये मेहमत मेरे पास आ जाएगा फिर इस गेम में करना कुछ भी मुश्किल ही नहीं रहता, आराम से उल उल सबको मार के हम लोग निकल जाते। तो ऐसा है ना कि लकड़ियां भी कम पड़ गई, वापस जाके हम लोग ला सकते हैं, लेकिन अब जो है इसी में काम करेंगे, जाने दो तेल लेने क्या। सिबू जा तू भी हमला कर, ऐसे कोई फायदा तो होगा नहीं, लेकिन जा ट्राई कर। तो भाला बनाने के लिए भी लकड़ियां मेरे पास है नहीं, वाह वाह वाह। और ये देखो मेरे सिबू का क्या हाल किया, भाई इस गेम की तीन खतरनाक बीस्ट का ये हाल किया, तो मेरा क्या हाल करेगा, जल्दी ऊपर जा टकार ये। अरे पत्थर टूट गया भाई, जब किस्मत खराब हो ना, टूट पे बैठे रहो तो कुत्ता काट ही लेता है, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है आज। तो ऐसा लग तो रहा है कि फुल तैयारी के साथ आना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है ना तो मार ही के जाएंगे। अच्छा ये पूरे गेम में पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर मैं चढ़ रहा हूं और वो जगह टूट गई, मैं नीचे गिर गया, तो जो बचे हुए बीस से उनको ही बुला जाए। अच्छा इस चीज के टेंशन मत लेना, ये अच्छी बात है इस गेम की कि जो मेरे बीस्ट मर भी जा रहे हैं ना उनको मैं दोबारा जिंदा कर सकता हूँ कभी भी जब मेरा मन करे, तो ये अच्छी बात है। पहले इसको मार देते हैं उसके बाद उनको जिंदा करेंगे। जो भालू को मैंने बुलाया वो आने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, जल्दी आना, मैं अकेले जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए। वो आराम से खड़ा हुआ है ना, ब्लड टस्ट मेहमत। इसको बोलते किस्मत खराब, मेरा भालू पता नहीं ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ जाए, इससे अच्छा कोई और जानवर को बुलाता हूँ। मैं बस बीस्ट को भेजे जा रहा हूं, ये मेहमत कम करवाया जा रहा है बीस्ट, बहुत बढ़िया भाई। भाई सब मैं आज किसका मुंह देख कर उठा था, तू कहां से आ गया अभी टाइम वेस्ट करवाने। तो यहां पर पहले से मेहमत कब था कि अब ये जैगुआर भी पीछे पड़ गए, मेरा वाला जैगुआर पता नहीं क्या कर रहा है, अब इसको मारना ही पड़ेगा तेरी तो। बताओ जैगुआर तो बड़ा चालू निकला भाई, मैंने उसको भेजा था मेहमत के ऊपर अटैक करने, वो क्या कर रहा है, वो आराम से यहाँ पे घूम रहा है। भाई तूने अटैक किया भी, सच्ची सच्ची बता, क्योंकि लग रहा नहीं है, वो तो भाग गया मेहमत। तो जैगुआर ने मारा या नहीं इस बार सामने से देखते हैं, जा तो मार तो इस बार, मैं देख रहा हूं।
ओ भाई 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 लपेट लिया जैगवार को लपेट लिया। और सच बताऊं पहली बार उद्धम वॉरियर्स को देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि ये उनको मारने में बिजी है मैमर। तो ऐसा है ना कि अब मेरे पास सामानों की भी कमी हो रही है, बीस्ट अभी भी है बहुत सारे लेकिन ये बीस्ट मुझे नहीं लगता कि मैमर का कुछ कर पा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों भालू से बहुत ज्यादा उम्मीद है, एक और भालू को बुला के देखते हैं। आज मुझे याद आ रहा है मैं अपना ही मुंह देख के उठा हूं इसलिए मेरी किस्मत इतनी खराब हो रही है। देख रहे हो ना ये भेड़िए भी आगे तंग करने के लिए। मेरे हर पीस को एक से दो सेकंड के अंदर लपेट ले रहा है। ओ भाई भाई वो तो अच्छा है इतने पीस को मैंने काबू करके रखा हुआ था। अच्छा एक काम करते ना, ब्लड फैंक को दोबारा से जिंदा, अरे नहीं करवा सकते जिंदा भाई, वो लाल वाला फूल मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो जितने पीस मेरे मर गए उनको जिंदा करवाने के लिए लाल फूल चाहिए बाद में। यहाँ ऊपर भी खड़ा होके नहीं मार सकते क्योंकि इसके दांत ऊपर तक आ रहे हैं, नीचे ही जाके मारना होगा। अच्छा मैंने इसकी एक कमजोरी ढूंढ ली है, अगर मैं इसके पीछे चला जाता हूँ तो थोड़ा सा हमला कर सकता हूँ मैं। ये बेचारा छुटकू बैजर खड़े होके देख रहा है कि मुझे कहाँ भेज दिया। मार रहा नहीं है ना, नहीं मार रहा नहीं है और बैबत भी उसको नहीं मार रहा है। मस्त है भाई, क्यूट है भाई साहब। दो तीन लकड़ियां मुझे मिल जाती ना बस तीर वीर या कम से कम भाला वाला बना लेता मेरा काम हो जाता, पर कोई बात नहीं अब जो है उसी से काम चलाते हैं। तो लालच नहीं करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और थोड़ा थोड़ा इसको मार के मार ही देंगे पता है। अच्छा अभी कुछ लेने के लिए मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि अगर रुक के कुछ लेने लगा ना तो ये भाग के छुप जाएगा, फिर ढूंढने में और दिक्कत होगी। अच्छा मुझे लग रहा था कि लाल फूल कम है लेकिन है इतने कि एक या दो बार और जिंदा कर सकता हूँ मैं बीस्ट को, और उसके बाद लेते आऊंगे तो जिंदा कर लूंगा लेकिन अभी फिलहाल एक या दो ही बार ये लोग जिंदा होंगे। ब्लड फैंक देख बेइज्जती हुई है, तू भी एक ग्रेट बीस्ट है, जाके मारना इस बार, जोरदार हमला करना इस बारी। ये ब्लड फैंग को मैं मारने के लिए तो भेज दूंगा मैमथ को लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दो सेकंड में फिर जाने वाला है। ब्लड फैंग देख तू आगे से हमला कर, मैं पीछे से हमला करता हूं लेकिन आराम आराम से। मेरे कोई काम आए ये भी मेहमत के शिकार कर रहे हैं, मारते रहो हेल्थ कम करनी है कैसे भी पता नहीं। तो ऐसा है ना कि ऑलमोस्ट मार ही दिया है ठीक है, थोड़ी सी हेल्थ बची, अब लालच नहीं करना है क्योंकि ऑलमोस्ट ये मर गया है। तो मैंने एक बीस बुलाया था जो कि कुछ नहीं कर पाया, तुरंत मर गया बेचारा। कोई बात नहीं, कुछ खिलाने का है क्या? ग्रेट स्कार भालू, मेरे पास मीट भी खत्म हो गया है पर कोई बात नहीं, चल आ ही जाओ खत्म करते हैं इसको।
बस बस बस, एक दो हिट और काम हो जाएगा। ये जो उद्गम के नलायक लोग हैं, जाके मारना तुम लोग भी, ये मेरे ही पीछे आ रहे हैं। अजीब पनौती लोग हैं। ये मिला ना काम का सामान, अब देखो। काश इस मेहमत को टेम करने का ऑप्शन देता भाई, इसको अपने पास रखते तो और कोई बीस की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। बस बस एक हिट और, अब नहीं मरना है, ऑलमोस्ट मार ही दिया है। तो अभी तक सबसे ज्यादा किसी बीस ने हालत खराब की है तो वो यही मेहमत था। चलो फाइनली ऐसा है ना कि बस अब एक ग्रेट पीस बच गया है जो कि डायर वुल्फ है, उसके बाद टकार मास्टर हंटर बन जाएगा और जाइमा के सारे मिशन खत्म हो गए, एक स्पेशलिस्ट का सारा काम खत्म होगा और मेरे जितने बीस्ट डाउन हुए हैं सबको नेक्स्ट एपिसोड में जिंदा कर लिया जाएगा, बस वो लाल फूल कलेक्ट कर लेना है, कोई बात नहीं। पर सारे बीस ने बहुत साथ दी एक बैजर को छोड़कर, बैजर तो पता नहीं खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। तो फेल आर्मी आज का एपिसोड बस यहीं तक, आई थिंक एक घंटे से ऊपर हो गया आज। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सेफ रहिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टाटा।